इतना केओस की सिचुएशन है, यहाँ पे सिग्नल वगैरह बंद है, ट्रेन वहाँ पे फंसी हुई है, यहाँ पे कारें फंसी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में हमें जाने भी देंगे या कल तक या परसों तक कोई भी। हमें हॉस्टल से जब जलजला आने लगे हम वैसे ही निकले हैं, भागे हैं बाहर की तरफ, बट एट द सेम टाइम जैसे ही हम बाहर निकले उसके बाद जलजला तेज हो गया। बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से हम लोग ना मस्जिद में आ चुके हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, क्या चाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं ठीक रहने की। मैं अभी इस टाइम अपने हॉस्टल के बाहर खड़ा हूँ, ये आपको पीछे मेरा हॉस्टल नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे जो क्रेक नज़र आ रहा है ना आपको, ये बड़ा सारा इस बिल्डिंग का, तो हमारा यहाँ पे देखो ये पुलिस वालों ने ना बैन कर दिया। हमें हॉस्टल से जब जलजला आने लगे हम वैसे ही निकले हैं, भागे हैं बाहर की तरफ, बट एट द सेम टाइम जैसे ही हम बाहर निकले उसके बाद जलजला तेज़ हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से कुछ एक दो सामान जो अपना था, बड़ी मुश्किल से कुछ था, अभी सारा सामान हमारा अंदर पड़ा हुआ है। पुलिस ने बैन कर दिया यहाँ पे, इन्होंने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया इस जगह को, इन्होंने कहा कि यहाँ पे आप अंदर जाना बंद है। तो यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है ना, ये देखो यहाँ से ये भी पट्टी डाल दिया कि इधर कारें भी उधर से होकर निकले, बिकॉज आवर हॉस्टल बिल्डिंग कैन फॉल एनी टाइम, और हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में हमें जाने भी देंगे या कल तक या परसों तक कोई भी। बट आई विश के सब कुछ ठीक रहे, बहुत सामान पड़ा है थैंक गॉड, मैं बस किसी तरीके से अपना पासपोर्ट वगैरह कुछ लेके आया हूँ। हमारे दोस्त वगैरह सारे स्टूडेंट जो भी हैं सारे अभी तक सेफ हैं, बाहर निकल के आ चुके, अंदर किसी को जाने ही नहीं दिया जा रहा। ये देखो यहाँ से इधर से भी क्लोज कर दिया हॉस्टल को, बिल्डिंग को, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ पे ठहरे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे ये सारे ठहरे हुए हैं, कुछ वहाँ मस्जिद वाली साइड पे चले गए। लेस यहाँ पे देखो रश, देखो यार कारें देखो, पता नहीं आवाम इतना ज़्यादा रोडों पे क्यों निकल आती है जब ये सब कुछ हो। यहाँ से रोड क्लोज कर दिया, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, रुको मैं इस साइड से चल के दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से पुलिस ने ना ये रोड क्लोज कर दिया, बिकॉज सामने ये बिल्डिंग है। आई होप ये तो आपको सामने से क्लियर कट नज़र आनी चाहिए, जो मोड लिखा हुआ है ना बिल्डिंग, ये टेढ़ी हो चुकी है, सीधी नहीं खड़ी हुई है ना। आई एम नॉट श्योर कि आपको नज़र आ रहा है, नहीं ये थोड़ी सी देख रहे हो, ये इस तरफ से उभरी हुई नीचे की तरफ आई हुई है, तो इस वजह से इस बिल्डिंग को वहां से भी क्लोज कर दिया, बिल्कुल इधर से रोड जाने के देर ही नहीं दे रहे। एट द सेम टाइम सबसे एक बात ये दूसरी है कि यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा है, स्नोफॉल हो रही है, आपको नजर आ रहा होगा किसी ना किसी तरीके से, देख रहे हो सारी स्नोफॉल है, ठंड बहुत ज्यादा है, और आवाम मजबूर है कि बाहर ही रहे, कहीं अंदर नहीं रह सकती क्योंकि बिल्डिंग्स कैन फॉल एनी टाइम। सो बस अल्लाह खैर करे यार, ये सिचुएशन है इस टाइम राइट नाउ। और सारी शॉप्स वगैरह जितनी भी हैं इन सबको भी क्लोज कर चुके हैं, ये देखो जैसे ये हो गया, ये सारी शॉप्स हैं, ये वाली तो ओपन ही नहीं की उनने, ये जो ओपन की है इसके अंदर से भी सारे जो इनके वर्कर्स वगैरह हैं वो भाग के देखो बाहर आए हुए हैं। बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इस वजह से हम लोग ना मस्जिद में आ चुके हैं सारे, और मस्जिद में यहाँ पे आके बैठे हैं। हालांकि अभी यहाँ पे भी एक जलजले का झटका आया और सारे बाहर भागे हैं दोबारा, बट एट द सेम टाइम मस्जिद इस टाइम गर्म है। एटलीस्ट गर्ल्स एंड बॉयज सीन ये है कि हमने काफ़ी देर मस्जिद में वेट किया, वहाँ पे वेट करने के बाद हमने कहा कि हमें अंदर जाने दो सामान लेने के लिए। अब ये सारे बच्चे हैं यहाँ पे हॉस्टल के, हॉस्टल को लॉक कर दिया है, अब मुद्दू ने बिल्कुल लॉक कर दिया कि अंदर ही कोई नहीं जा सकता, और बच्चे सारे सामान के लिए परेशान है कि पासपोर्ट्स पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़ी हुई हैं, डिग्रीज पड़ी हुई हैं, जिनकी बेस पे वो लोग यहाँ पे अप्लाई करके आए हुए हैं। बट क्योंकि यार वो भी सेफ्टी मेजर्स को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से टोटली ये देखिए यहाँ पे सारे चल रहे हैं कि टोटली अलाउ नहीं है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, द सिचुएशन इज़ गेटिंग वेरी बैड राइट नाउ, सीन ये हो चुका है कि सर्दी बढ़ती जा रही है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और हमारे हॉस्टल का ये हो चुका है कि उनने बंद कर दिया, उनने कहा कि वो बच्चे जिनके दोस्त वगैरह हैं आसपास के घरों में, अगर वो लोगों के पास जाके रह सकते हैं तो वहाँ चले जाएँ, एट द सेम टाइम वो बच्चे जिनके पास कोई भी रहने की जगह नहीं है वो यहीं पर हैं, उन सबको हम कहीं और किसी और जगह शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे ले जाएंगे बगैर सामान वगैरह के, सामान वगैरह आपका यहीं पे रहेगा। आई होप आवाज़ वगैरह मेरी क्लियर आ रही हो क्योंकि मैं सेलफोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थैंक गॉड यार मैंने अपना निकलते हुए ही जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले ली, मुझे समझ आ गया था जब जैसे ही वो जलजला तेज़ हुआ हम वापस नीचे आए और उसके बाद पुलिस वगैरह वाले आने स्टार्ट हो गए पिक्चर्स वगैरह ना, आई वॉज श्योर कि ये बिल्डिंग को लॉक करने वाले हैं, तब मैंने जाके अपना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान था ना वो मैंने उठा लिया था। बस दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए, और अभी भी यार हर जगह कह दिया, इवन अभी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दिया गया कि रात को घरों में कोई नहीं सोएगा, इवन घरों में कोई जाएगा ही नहीं, उन्होंने डिफरेंट तरह की कैंप साइट्स बना ली हैं रात के लिए, रात को कैंप साइट्स बना ली हैं कि ये जो शहर हैं या ये जो मोहल्ले हैं इनकी कैंप साइट ही है, तो ये लोग घरों में नहीं रहेंगे उन कैंप साइट पर, क्योंकि रात को फिर दोबारा डिप्रीम आने का खतरा है। डिप्रीम बेसिकली जलजले को कहते हैं टर्किश में, तो दोबारा जलजले का आने का खतरा है। हाँ जी, तो अपडेट ये है कि हमें हॉस्टल वालों ने दोबारा कॉल करके कहा कि किसी ने अगर सामान वगैरह जो इंपॉर्टेंट वगैरह है उठाना है उठा लो, सब बच्चों को उनके पासपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स जो भी डिग्रीज वगैरह जो इंपॉर्टेंट सामान उनका था उन सबको उनका वो सामान उठाने दिया गया, और उसके बाद अब हम सारे बच्चों को एक और जगह पर लेके जा रहे हैं। ये सामने जैसे ये सारे बच्चे आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सारे हम लोग जा रहे हैं, सामने मैनेजर ही है हमारा जो हॉस्टल का मैनेजर है वो हमें लेके जा रहा है एक और मकान पे, मकान मीन्स रिहाइश की
जगह जहाँ पे हम जाके स्टे करेंगे। खैर हम अभी बिल्कुल रास्ते में जा रहे थे और पीछे ये बिल्डिंग नजर आई है। ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये जो बिल्कुल मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ दूसरे कैमरे से, ये देखो बिल्डिंग की कंडीशन। बिल्डिंग इवैक्यूएट करवा दी होगी इनने, सारी खाली करवा दी होगी, बट ओवरऑल फिर भी आप ये देखो कि यार क्या हालात हैं बिल्डिंग के। खैर व्हाटएवर इट इज़, हम बस दुआ कर सकते हैं, आप लोग भी दुआ करें कि यार जितना नुकसान हो गया इससे ज़्यादा ना हो। मैं भी भाई एहतम वगैरह को दोस्तों कह रहा था कि यार मसला नहीं है, हमने अपनी जान बचा लिया, निकल आए, अल्लाह खैर करे, हमारा सामान वगैरह पूरा, यार एक घर होता है हॉस्टल का रूम भी, लेट्स सपोज अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है तो वो सारा सब कुछ जाएगा, बट खैर थैंक गॉड हम बाहर आ गए। अल्लाह ताला हम सबको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और जो मेरे दोस्त वगैरह हैं तुर्की में भी उन सबको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अभी इस जगह पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कैसे हैं। ओके जी, तो ये गवर्नमेंट का हॉस्टल है, जहाँ पे हॉस्टल तो नहीं, रिहाइश की क्लासेस की कुछ जगह है जहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे एक क्लासरूम है ये, जहाँ पे सारे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। सिमिलरली इसी के अपोजिट में सामने ही यहाँ पे एक और क्लासरूम है, ये यहाँ पे, और यहाँ पे हम सारे आए हुए हैं। तो किसी ना किसी तरह से एडजस्ट ही करना है, आज रात यहीं पर गुजारनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि तुर्की के अंदर जलजला आया हुआ था, और जो कि बहुत ही ज़्यादा शिद्दत वाला जलजला है, जिसकी आपने वीडियोस वगैरह भी मैं दिखाने भी वाला हूँ आप लोगों को, जब हमारे पास सिचुएशन भी। खैर अभी बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको करंट अपडेट देता चलूँ। अभी 6 बज रहे हैं इस टाइम, शाम के 6 बज रहे हैं तुर्की के अंदर, और अब तक जो जलजला आया है उसके नतीजे के अंदर तकरीबन 1400+ डेथ्स हो चुकी हैं, तकरीबन 8500+ बंदे इंजर्ड हैं इस टाइम, कुछ जो मलबे के नीचे फंसे हुए हैं वो लोग भी हैं, अभी तक नहीं निकाले जा सके। एट द सेम टाइम तकरीबन 3000+ बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं। टर्की के अंदर बिल्डिंग्स होती हैं 10 मंजिला, 12 मंजिला, 15 मंजिला, तो वो तकरीबन 3000 बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्टली अफेक्टेड सिटीज़ थी इनकी कहरमान महाराष्ट्र और हाताए था, उसके अलावा और भी बहुत सारी सिटीज़, गाजियाबाद में आया, अदाना में आया, कैसरी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे आया, और भी बहुत सारी सिटीज़ के अंदर जलजला बहुत शिद्दत का आया। हमारी जो हॉस्टल है जहाँ पे हम रहते थे, रात को भी शिद्दत से आया, रात को हम लोग भागे बहुत जल्दी से अपनी जान वगैरह बचा के किसी तरह से बाहर निकले। खैर रात वाला जलजला गुजर गया, बट सबसे ज़्यादा मसला था ना जो सुबह को दोबारा आया, और सुबह के आने के बाद एक ये हो गया कि यार ये तो रुक ही नहीं पा रहे, यू नो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई। हम सुबह को भागे और सुबह का उससे भी तेज़ आया इधर कैसरी में, जिसकी वजह से बिल्डिंग बहुत ज़्यादा क्रैक हो गई। आप यहाँ को मैं दिखाता भी हूँ व्लॉग में, वहाँ पे मैं आपको कि आपको पता चले कि ये एक क्रैक हो गया था बिल्डिंग का अचानक से। खैर वो क्रैक्स वगैरह ख़त्म अब नहीं हो सकते, क्योंकि अब बिल्डिंग बहुत ज़्यादा क्रैक हो चुकी है, उसका सिचुएशन ये है कि वहाँ पे बच्चे नहीं रहेंगे। अभी जो हॉस्टल की तरफ से न्यू था, अभी हमारे हॉस्टल उन्होंने ये की थी, हमें यहाँ पे एक दूसरे कमरे में ले आए हैं जो कि गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है, हम लोग रात यहाँ पे स्टे करेंगे। ये क्लासरूम टाइप है, हम रात यहाँ पे स्टे करेंगे। रात वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दिया गया कि पूरी रात को कोई भी नहीं सोएगा। ये क्लासरूम है जहाँ पे हम लोगों ने अपनी रात गुजारनी है। अभी टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से, खैर से यहाँ पे हमें खाना वगैरह भी सब कुछ भी हमारा भी ख्याल करेंगे, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। बस दुआ की जाए, मैं सिर्फ यही कहूँगा आप लोगों से कि दुआ की जाए कि सब कुछ ठीक रहे आगे फ्यूचर में भी। आज रात का दोबारा एक्सपेक्टेड है कि जलजला आएगा, जो कि बहुत ज़ोर से आएगा, अगेन एक्सपेक्टेशन है, बस अल्लाह खैर करे। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही करूँगा कि आप दुआ करें, जितने भी हमारे दोस्त वगैरह तुर्की में रह रहे हैं, तुर्की के लिए, तुर्की के अवाम के लिए, कि ये सारे खैर से, ये जो बस अल्लाह ताला का अज़ाब ही कह सकते हैं इन पे आया है, इससे गुजर सकें। अल्लाह हाफिज़। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द अज़ जल्द और भी अपडेट्स देता रहूँ, इंस्टाग्राम पर भी मैं शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।